दोस्तों एक नए वीडियो में आपका वेलकम। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी ट्रियो ऑटो खड़ी है अभी, इसमें जो चार देख सकते हैं आप, इसके ऊपर सोलर पैनल डाले हैं हमने। आप देख सकते हैं ये चार सोलर पैनल हैं, इसको एक जगह डिलीवर देना है हमको, एक गांव को जो गुलबर्गा एयरपोर्ट के आगे है दोस्तों, वहाँ पर इसको पहुँचाना है। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं जो इसके गाड़ी के किलोमीटर हैं 98 किलोमीटर है जो अभी चलेगी ये ऑटो, और 28,070 किलोमीटर अब तक चल चुकी है दोस्तों गाड़ी, बैटरी के पॉइंट 3 बता रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों वहाँ जाने तक कितने कम होते हैं इसके किलोमीटर। आप बने रहिएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये 98 किलोमीटर और चलेगी ये ऑटो। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। देख सकते हैं आप पैनल को ऊपर हमने इसके टॉप पे बांध दिया अच्छी तरह से रस्सी से, ताकि ये हिले ना, क्योंकि दोस्तों ये पैनल काफ़ी महंगे होते हैं, तकरीबन एक पैनल 10-12 हज़ार के ऊपर का ही है। तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रियो। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं अभी यहाँ से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी हम ब्रिज चढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो रेलवे ब्रिज है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों अभी हम ये ब्रिज चढ़ रहे हैं। अभी तो हमारी गाड़ी चल रही है दोस्तों, अभी ये 90% है, देखते हैं अभी जाकर आने में कितने किलोमीटर डाउन होते हैं इसके। आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ा बहुत आज भी इसका जो माइलेज है वो पता चल जाएगा आपको। ये देख सकते हैं हमारा गुलबर्गा सिटी। अभी हम एयरपोर्ट के आगे जाना है हमको, एक गांव है छोटा सा, वहाँ पर ये जो सोलर पैनल है दोस्तों उसको डिलीवर देकर आना है, वहाँ पर ये पहुँचाना है दोस्तों ये सोलर पैनलों को। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। देखिए अभी ये 89 हो गया आपसे बात करते करते, और जो गाड़ी की स्पीड है दोस्तों अभी 38-39 है। अभी डोनल पे हम स्लो उतर रहे हैं दोस्तों ब्रिज को, और आप गाड़ी में जो लोड है वो देख सकते हैं, बैटरी वगैरह रखे हैं यहाँ पर, इन्वर्टर बैटरी से जो कुछ भी है सोलर का। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम साइड पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी में जो बैटरी वगैरह हैं और जो पैनल को हमने जो इसके टॉप पे बांधा था दोस्तों, अभी इस माल को उतारेंगे हम। आप देख सकते हैं इन्वर्टर बैटरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों अब तक जो गाड़ी चल चुकी है वो 72 किलोमीटर और चलेगी गाड़ी, और जो इसके टोटल किलोमीटर हैं दोस्त देख सकते हैं दोस्तों 28,096। ये देखिए दोस्तों अभी हम इसके अंदर गेट में एंट्री कर रहे हैं, जो साइड पर पहुँच चुके हैं, माल उतारेंगे अभी। देखिए दोस्तों अभी हमने पैनल वगैरह सब नीचे उतार लिया है, आप देख सकते हैं बैटरी वगैरह वहाँ पर रख दिया है साइड पर। यूट्यूब चैनल ये पैनल है दोस्तों जो अभी अभी ऑटो से उतारे हैं हमारे ट्रियो ऑटो से। और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी पहले दो पैनल इंस्टॉल थे, किसी टेक्नीशियन भाई ने कुछ गलतियाँ की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पैनल के ऊपर इस तरह से एक पत्थर का पीस रख दिया था टुकड़ा, जो कि पूरे चार सेलों को कंट्रोल कर रहा था। इससे देख सकते हैं आप इस तरह से कभी भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए दोस्तों सोलर पैनल को, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सोलर टेक्नीशियन भी हूं, तो आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह अगर आप पैनल को रखेंगे तो आपकी पैनल की एफिशिएंसी है वो भी कम होगी, और इसके जो सेल हैं वो भी डैमेज होंगे। तो किसी भाई ने जो इंस्टॉल यहाँ पर पहले किया था वो काफ़ी सारी गलतियाँ की थी, इसको हमने ठीक करके इंस्टॉल कर दिया है। इसकी तो वीडियो मैंने नहीं बनाई है दोस्तों, मगर फिर भी आपको दिखा रहा हूँ जितना हो सके। देख सकते हैं इस तरह से कभी भी सोलर पैनल को इंस्टॉल वगैरह नहीं करना चाहिए इस तरह से, अगर हो सके तो इसको एंगल से बांधकर साइड में ये रख देते तो बेटर था। भाई ने इसके पैनल के ऊपर ही इस पत्थर को रख दिया है, तो ठीक है दोस्तों आपने देख लिया। तो आप देख लिए दोस्तों, अब देख सकते हैं ये जो इसके 71 किलोमीटर और बाकी हैं दोस्तों जो ऑटो हमारी चलेगी ट्रियो,
माल वगैरह सब हमने खाली कर लिया है, अभी यहाँ से निकलना है हमको साइड से। अब देख सकते हैं इसके बैटरी के जो परसेंटेज हैं, वो 2% और बैटरी है इसके, और टोटल जो किलोमीटर चल चुकी है दोस्तों 28,096 किलोमीटर हो चुके हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि टोटल कितने किलोमीटर अब तक यहाँ आने तक चल चुकी है। देखिए दोस्तों अभी साइड से हम सारा कुछ माल वगैरह निकाल कर गेट के बाहर आ चुके हैं, अभी हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप हमारी ट्रियो, अभी अभी हमने गेट से बाहर निकाला है, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम निकल चुके हैं साइड से, ये देखिए पूरी शाम होने को है, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है दोस्तों। आप देख सकते हैं सारे खेत वगैरह हैं, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है दोस्तों, ये एयरपोर्ट के बाजू, गुलबर्गा एयरपोर्ट के बाजू। अभी सब माल वगैरह उतारने का सब काम हो चुका है दोस्तों, अभी निकल रहे हैं हम। बारिश का भी मौसम बन रहा है दोस्तों, आप देखिए, ये देखिए दोस्तों आपको ग्लास पे दिखाई दे रही होंगी बूंदे, बारिश भी थोड़ी आनी स्टार्ट हुई है। ये देखिए लाइटें वगैरह लगी हैं, शाम होने को दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम गुलबर्गा के लिए। ये देखिए दोस्तों अभी साइड से निकले थे हम, 1 किलोमीटर डाउन हो चुका है अभी बैटरी। देखिए दोस्तों मौसम अचानक ही बदल गया दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ देर पहले थोड़ी सी धूप वगैरह थी और बारिश मैं बोल रहा था कि आने ही वाली है, मगर देखिए अब कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। सामने वाइपर चलाया है मगर फिर भी वाइपर से भी कुछ ज़्यादा असर नहीं हो रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो मौसम का भी कुछ पता नहीं दोस्तों कब बदल जाए। अभी अभी हम साइड से निकले थे, कुछ आधा किलोमीटर ही आए थे दोस्तों, तो यहाँ पर एक होटल थी, चाय थोड़ा चाय वगैरह पी ली के निकल चुके हैं अभी। ये देखिए डिस्प्ले में मैं लाइट, डिस्प्ले की लाइट जो ऑन करनी पड़ी मुझे। ये देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों, हम देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ही बारिश हो रही है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों बाय, टेक केयर।